हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और टेंथ तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और सेवन्थ और एट्थ का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, कैसे हैं आप सभी। बहुत बड़े ब्रेक के साथ सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट फिर से वीडियोस प्रोवाइड करेगा आपको। और क्लास टेंथ के हम क्वेश्चन बैंक अपलोड करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन डाल लीजिए। रिमेंबर, मैं आज से ही जो है तो स्टार्ट कर दूंगा प्रश्न बैंक डालना। सबसे पहले गणित के प्रश्न बैंक आपके आएंगे जो कि विमर्श पोर्टल में अपलोड किए गए हैं MP बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। तो आप सभी टेंशन ना लें, आप सभी का रिजल्ट बेहतर जाएगा। 90 प्लस अगर जाना है, सभी प्रश्न 90 प्रश्न आपके जो हैं तो विमर्श पोर्टल के क्वेश्चन बैंक से, यानी कि इस प्रश्न बैंक से आएंगे। आपको स्कूल में भी, सरकारी स्कूलों में यह प्रश्न बैंक उपलब्ध होगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो यह आप खरीद सकते हैं मार्केट से। तो चलिए, मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और भी एक विषय का मैं करवाने वाला हूँ, तो साइंस और सोशल साइंस दोनों विषय का मैं मैथ की बात कराऊंगा। इसलिए आप बने रहें हमारे चैनल में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम शुरू करते हैं अध्याय 2 चैप्टर 2 बहुपद। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ आप सभी के लिए चैप्टर 2, जिसे हम कहते हैं क्या, बहुपद। तो पॉलिनोमियल इंग्लिश में क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जल्दी से बोल दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स फटाक से, क्या होगा पॉलिनोमियल। यदि आप पहले का आंसर सही से इंग्लिश से सॉल्व करके मेरे को बता दें कमेंट में, तो मैं मान जाऊंगा कि आप क्लास टेंथ में टॉप करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 3 सेकंड के समय हैं, जल्दी करिए जल्दी। तब तक मैं अपना पेन कलर बदल लूँ, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी, एक्स माइनस 3। तो चलिए, एक प्रॉपर्टी आपने सुना होगा फ्रेंड्स, वो प्रॉपर्टी जो है तो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। एक ये प्लस वाला जाके उधर माइनस में बदल जाएगा और एक ये माइनस वाला प्लस में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्लस माइनस रूट 3। अब चलिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्यक का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सी का ए के साथ हम इंटू करते हैं, तो ए क्या है, 1 है, तो 12 वन जै 12, 12 के हम फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 जै 4 3 जै 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बीच में 1 लाना है, इसका हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस में लाना है, तो प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12। तो चलिए, यहाँ x कॉमन आ गया, इधर आ गया आपका x प्लस 4 और इधर ऐसे ही x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस 3, तो 4 3 जो 12 माइनस 12 जो होगा इसका शून्य का, है ना। तो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 का गुणन खंड एक्स प्लस 1 है, तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, तो सिंपली जेड आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए, तो एक्स प्लस 1 है तो गुणनफल, यानी इसका जो
प्रोडक्ट होगा, गुणनखंड होगा, एक्स प्लस वन होगा, तो ए का मान ज्ञात करना है आपको। बस सिंपली जेड आपको इससे डिवाइड करके गुणनफल ला सकते हो, या दूसरा मेथड आप वो भी यूज कर सकते हो जो आप जान रहे हैं, बहुत ही इजी मेथड है वो। ये क्या है, द्विघात बहुपद है ना, यानी हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को ए और अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा सी अपान ए। फार्मूला है फ्रेंड्स, ये भी फार्मूला है, उसका ऐड पूछ रहा है, तो माइनस बी अपान ए हो जाएगा। और रिक्त स्थानों का द्वितीय घात बहुपद में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोज होते हैं, टू जीरोज होते हैं। रैखिक बहुपद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पॉलिनोमियल के वन सिंग जो है तो जीरोज होते हैं। दो बहुपद का गुणनफल पॉलिनोमियल ही होता है ना, दो पॉलिनोमियल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉलिनोमियल ही आने वाला है। चर क्यू ए मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वह जीरोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, शून्यक, शून्यक। एक बहुपद जिसके माइनस तीन और चार हैं, वह होगा एक्स प्लस तीन और एक्स माइनस चार होगा, जिसको हमने ऊपर अभी बोला है, क्योंकि ये प्लस में है उधर माइनस जाएगा, तो एक्स इक्वल थ्री और एक्स इक्वल माइनस सॉरी फोर एंड माइनस थ्री, तो फोर चीजा 12 माइनस 12 भी हमने ऊपर ट्रिक में लिखा भी है, ऊपर चूज द करेक्ट ऑप्शन में, और इसमें हो जाएगा x प्लस थ्री और x माइनस फोर। चलिए आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक तीन, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन के शून्य ज्ञात करना है, यानी जीरो ज्ञात करना है। तो इतना तो आपका जो है तो सेम रहेगा स्टेप्स, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल सिमिलर है, मैथ में तो आप हिंदी इंग्लिश की टेंशन ही मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ को दो भागों में विभाजित करता है, मतलब क्या समझ रहे हो, विभाजित यानी डिवाइड, आप समझ लो थोड़ी थोड़ी डिवाइड करता है दो भागों में, इंटू टू पार्ट्स है ना, डिवाइड्स इट डिवाइड इंटू टू पार्ट्स। अब देखिए ये सब आपसे बनता ही होगा है ना, आप सिंपली एस जेड इसका निकाल देंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है ना, सॉल्व कराऊंगा। द्वितीय घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस बी अपान ए एंड सी अपान ए। हमें क्या करना है, ये भी फाइंड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। चलिए अगली स्लाइड में जाता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला, और इसमें माइनस टू और माइनस फाइव जो है तो इसकी जीरोज आए थे, इसको इसमें पुट करके आंसर ला दिया गया है, और सिंपली एस जेड ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी निकाल दिया गया है। चलिए आगे चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, अभी अभी इसको सॉल्व कराया हूँ मैं है ना, ये प्रश्न को अभी अभी मैं चूज द करेक्ट ऑप्शन करा चुका हूँ, एक आइडेंटिटी लगाई जाएगी ये वाली, और फिर डायरेक्ट ये मान निकल जाएगा। बहुत आसान है फ्रेंड्स ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा आसान। तो इसमें कह रहा है ए प्लस बी माइनस बी पाने, तो देखो ए प्लस बी यानी रूट थ्री प्लस और माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, रूट थ्री इक्वल माइनस बी अपान ए, बी में तो जीरो है अपान ए वन, तो थ्री रूट थ्री में जीरो अपान जीरो, एल एच एस आर एच एस इक्वल। प्रोडक्ट देख लीजिए, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस एक में है, तो माइनस थ्री हो जाएगा, और सी अपान ए, सी की जगह थ्री है, माइनस अपान ए क्या है वन, तो माइनस थ्री इक्वल माइनस थ्री, एल एच एस इक्वल आर एच एस हो गया फ्रेंड्स। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं अपन लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे मैं करा चुका हूँ, ठीक है। एक द्वितीय घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग माइनस तीन व गुणनफल दो है। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल एस जेड बता दूँ, आप डायरेक्ट समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपान ए इज इक्वल माइनस थ्री, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना।
अपान वन। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए होता है, तो सी क्या है मतलब दो दिया हुआ है हमें, तो ऊपर दो हो जाएगा नीचे वन हो जाएगा। तो सिंपली एज जेड ये आपको याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला क्या है, ए क्या है वन, तो हम वन को वन रख देंगे, वन एक्स स्क्वायर एक मिनट पॉइंट हाँ वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स हम लोग की, बी की ये रही थ्री, थ्री एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है टू, तो टू लिख देंगे। अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं चलिए सही है कि नहीं। देख लीजिए बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब चलिए ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, वन अपान फोर एवं गुणनफल, तो अल्फा प्लस में बीटा वन बाय फोर इज इक्वल माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपान ए, और सी क्या है माइनस वन दिया है तो माइनस वन ठीक है, लेकिन ए कितना है फोर ठीक है, ये माइनस वन है लेकिन ये अपान में फोर है, तो इसको जो है तो दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे हम, तो फोर अपान सॉरी माइनस फोर अपान फोर हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बन जाने वाला है आंसर फ्रेंड्स, तो देखिए अब बन जाएगा, इस पे हम रखेंगे अपना जो है तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह क्या रखना है माइनस फोर रखना है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह क्या रखना है माइनस वन, शायद बी एक्स माइनस वन है, वन बस है वन बस, तो एक्स रख देंगे प्लस सी में कितना है माइनस फोर, तो चलिए पहले मैं माइनस फोर को हाँ माइनस फोर ये बन जाएगा। देखिए फ्रेंड सही है कि नहीं, तो चलिए अगली स्लाइड पे चल देते हैं और देखते हैं। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे हम माइनस का साइन यहाँ पे लगाना भूल गए थे उस वाले में, तो लगा लीजिएगा आप। एक द्वितीय घात बहुपद एक गुणनफल, देखिए अल्फा प्लस बीटा वन ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा वन, जब हर चीज़ वन है माइनस बी अपान ए एंड माइनस सी अपान ए, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा तो डायरेक्ट आपका यही बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बन जाएगा इसका पूरा पूरा आंसर, बस यहाँ माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स है ना। चलिए देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं इसका, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बन गया, देखिए जैसे मैंने कहा था वैसे बन चुका है। तो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी सी देख लें इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन वाला क्वेश्चन यहाँ पे था, तो इसको आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने किया है, इसको देख लीजिए ये वाला है प्रश्न बैंक में, और भी है मेरे पास स्लाइड है, आपको मैं पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये है, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो परीक्षा अध्ययन का, अगर आपने बाजार से ना खरीदी हो फ्रेंड्स। तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाला ये एक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ये वाला मैंने यहाँ पे करा इंग्लिश से दे दिया आपको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे आपको दे दिया ना, स्क्रीनशॉट बिल्कुल दे लीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी न करें, लाइक कमेंट जरूर कर दें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाए रहें है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सब अब ख़त्म होने जा रहे हैं हमारे है ना, हो गया क्वेश्चन तो मेरे ख़त्म ही हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं चैप्टर 3 अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, जय हिंद जय भारत।